अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सुतुल्ला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी AIOU। उम्मीद है तमाम फंड्स खैरियत से होंगे। आज के दिन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसके बारे में आज की स्टूडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लें। तो आज ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कल यानी कि 4 मई एडमिशन की आखिरी तारीख है। तो अब अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की आखिरी तारीख में इजाफा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ में बड़ी खुशखबरी ये भी है कि यूनिवर्सिटी ने लेट फीस ऐड नहीं की। लेकिन आपको इन बात को समझना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं BA, BCOM, BS, BEd, AD जिनके फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा एडमिशन लेना है, उसकी लास्ट डेट में यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं की। उनकी वही 4 मई लास्ट डेट है, 4 मई रात 12 बजे तक वो अपना फॉर्म फिल करके चालान बना के 5 मई रात 12 बजे तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने दूसरे सेमेस्टर का, तीसरे सेमेस्टर का, चौथे सेमेस्टर का या किसी फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भेजना था, तो उसकी आखिरी तारीख में यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन कर दी है 11 मई तक। 11 मई तक आप इसके अंदर एडमिशन करवा सकते हैं और आपको कोई भी लेट फीस जो है वो अदा नहीं करनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स ने चालान निकाल दिया है वो 5 मई तक पे कर दे, जिन्होंने निकालना है वो अब 11 मई तक अपना चालान जो है उसको निकाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।